हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति मुटपुरे, वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं नागपुर के फेमस कड़ी समोसे। उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है, ये मैदा है, कम से कम 4 से 5 कप मैदा है, ये 10 से 12 लोगों के लिए बन रहा है। और ये है आलू, ये दो एक किलो के करीब आलू है, बॉईल करके उसको मैश करके रखे हैं हमने। हरी मिर्च के टुकड़े काट के रखे हैं हमने, 4 से 5 हरी मिर्च चाहिए। जीरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये वाला, और ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये 3 से 4 चम्मच है, छोटे टीस्पून। राई लगेगी, हरे मटर है ये फ्रोजन वाले, प्याज है ये 2 बड़े कटे हुए, ये अजवाइन है, ये हल्दी, नमक, और ये धनिया जो होता है उसको हमने क्रश कर लिया है भूनकर, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, हरा धनिया जो हमने काट के रखा है, और ये मिर्च जो तल के खाने के लिए लगेंगे हमें, और ये कड़ी पत्ता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे समोसे की तैयारी। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने एक बर्तन लिया है, ये फ्लैट बर्तन लेने का, उसमें हम अपना ये मैदा डालेंगे। ये मैदे को हमेशा पहले अच्छी तरह से बारीक चलनी जो होती है अपनी आटे चलनी की, उसमें छान लीजिए, नहीं तो उसमें कुछ बारीक कण रह जाते हैं। इसमें हम नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद में हम इसमें अजवाइन डालेंगे, ये हमारी अजवाइन डाल देते हैं इसमें 2 टीस्पून, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा सा वेल बनाएंगे इस तरह का। फ्रेंड्स, हमने मैदा को भिगाने के लिए इसमें ऑयल गरम किया था, यानी अच्छे से उसको गरम करके ठंडा कर लिया है, और उसके बाद में हम, क्योंकि कच्चा ऑयल कोई भी चीज में डालना नहीं चाहिए, इसलिए हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया, फिर ठंडा करके अब मैदा में ऐड करेंगे इस तरह से हाफ, ऐसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसमें तेल डाल के अभी इस तरह का हमने कर लिया है, ये देखिए इस तरह का हमारा ये बनना चाहिए, तब हमारे समोसे क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद में हम पानी इस्तेमाल करेंगे, में और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल ऐड करके इसे भिगाएंगे, ज्यादा पानी एकदम से ना डालें वरना ये गीला हो जाएगा, हमें थोड़ा सा टाइट डो तैयार करना है इसका। जैसे मिक्स कर लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह का टाइट डो तैयार करना है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे, जब तक हम हमारी आलू की सब्जी तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पैन में तेल गरम करने को रख दिया है, 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाले हैं इसमें, हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, ये सूखा धनिया डालेंगे इसमें, इसे अच्छे से भूनने के बाद में इसमें हम हमारी प्याज डालेंगे इस तरह से, और प्याज को थोड़ा सा हल्का सा होने देंगे। प्याज को हल्की सी होने देंगे हम, इसमें हमारी हरी मिर्च भी डाल देंगे, और ये कड़ी पत्ता इसको डाल देने के बाद में इसको थोड़ा सा हम हल्का सा भूनेंगे, हल्की हमारी हल्की गोल्डन होने देंगे प्याज को। देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज भी हो चुके हैं, अब इसमें हम हमारे हरे मटर डाल देंगे, इसको अच्छे से भून देते हैं, इसमें 1 से 2 मिनट भून देंगे उसमें, जब तक हमारा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून है ये फुल, के बाद में हमारी हरी मिर्च का पेस्ट, ये भी 1 टीस्पून है, डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, ये हमारे पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम हमारे मसाले डालेंगे, हल्दी डाल देंगे, गरम मसाला,
लाल मिर्च आपने पहले पेस्ट भी डाली और हरी मिर्च भी डाली है, तो आप अपने अनुसार ही डालिए, आप लोग जैसा तीखा खाते वैसा। उसके बाद में हमारा धनिया पाउडर डालेंगे। नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, हमारे आलू जितने उसके हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से भुन जाए उसके बाद में हम इसमें आलू डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसमें हमारे आलू डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालें, अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स, इसमें हम हमारे बाकी के आलू भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, मिला के इसे अच्छे करके मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सब्जी भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम हरा धनिया मिला देते हैं, इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। एक साइड में हमने ऑयल गरम करने को रख दिया है कढ़ाई में, हमारे समोसे को हमने डीप फ्राई करना है इसलिए हमने तेल रख चुके हैं। अब हम हमारे समोसे की तैयारी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक साइड में हमारा ऑयल गरम हो रहा है, जब तक हम इस टाइप का हमारा पेड़ा लेंगे, इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसे ऐसा फैला देंगे। उसके बाद में थोड़ा सा मैदा लेकर इसे हम बेल लेंगे, इस तरह से ऐसा ऐसा हमें इसे बेलना है। इस तरह से हमें गोल बना लेना है। अब हम इसमें इस तरह से सेंटर से ऐसा कट लगाएंगे। ऐसा कट लगाने के बाद हमारा ये दो पार्ट में तैयार हो जाएगा। अब इसे हम इस तरह से लेंगे और एक साइड में थोड़ा सा पानी लेंगे, ऐसा लेके इसे हम ऐसा फोल्ड करेंगे, इसका कोन बनाएंगे, इस तरह से, इस तरह से इसे ऐसा लगाएंगे पानी, इसे फिर ऐसा करके ये ऐसा फोल्ड करेंगे, ये ऐसा, और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे इस तरह। ये हमारा कोन तैयार हो गया। अब इसमें हम हमारा आलू भरेंगे, इस तरह से हमारा ये मसाला भरेंगे, इस तरह से सब मसाला भर के अब इसके हम साइड में पानी लगाएंगे, ऐसा इसे अब प्रेस कर देंगे ऐसे। इस तरह से प्रेस करके इसे हम यहां से ऐसा प्रेस करके इसे ऐसा रखेंगे, इस तरह से हमारे समोसे तैयार करेंगे। सेकंड पाती इसी तरह लेना है हमें, इसे भी ऐसे ही फोल्ड करना है, इसमें पानी लगाएंगे साइड में, उसके बाद में हम इसे यहां से फोल्ड करके इसका कोन तैयार करेंगे इस तरह से। उसके बाद में हमारे इसमें आलू भरेंगे। आप समोसे कोई भी साइज के बना सकते हो, बड़े छोटे, आपको जिस तरह का बनाना उस टाइप का साइज दे सकते हो आप। इसे पैक कर लीजिए इस तरह से पानी से, इसे फोल्ड कर लीजिए अच्छे से, अच्छे से इस तरह से ये फोल्ड हो जाए। इसके बाद में हम इसे प्रेस कर देंगे। इसी तरह हमें सभी समोसे बनाना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से पूरे समोसे तैयार कर लिए, अब हम इसे तलेंगे। अब इसमें हम धीरे धीरे हमारे समोसे डालेंगे। इसे कम आंच पे ही तलना है फ्रेंड्स, मीडियम आंच पे, फुल स्पीड पे ना तले, वरना हमारे समोसे अंदर से कच्चे रहेंगे, बाहर से तल जाएंगे, इसलिए कम इस पे मीडियम आंच पे हमें इसे तलना है। जितना हमारे इसमें कढ़ाई में आ सकते उतने समोसे डालिए और इसे हम गोल्डन ब्राउन होते तक तलेंगे, इस तरह से। यस, अब इसे धीरे धीरे हम खोल देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे एक साइड से तल चुके हैं, अब इसे हम पलटा के दूसरी साइड से भी तलेंगे इस तरह से, और इसे हम मीडियम आंच पे ही धीरे धीरे होने देंगे इस तरह से। इसको डीप फ्राई करना है, हमारे समोसे पूरे तेल के अंदर डूबे रहना चाहिए, वरना हमारे समोसे अच्छी तरह से नहीं फ्राई होंगे इस तरह से। इसके साथों साथ ही हमें मिर्ची भी तल लेना है। समोसे के ऊपर इस तरह से रख दीजिए, वो अपने आप ही तला जाएंगी, और इसे हमें ज्यादा नहीं तलना है, मीडियम ही तलना है। इसमें मिर्ची कभी भी तलते हुए उसमें हल्का सा कट लगा दिए, वरना वो फूट सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये मिर्ची भी तल चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये समोसे भी अच्छी तरह से तल चुके हैं, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से हो चुके हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे इस तरह से। निकालिए फ्रेंड्स, इसका पूरा ऑयल निकल जाना चाहिए। इस तरह से पूरी समोसे हम इस तरह से निकालेंगे, फिर बाकी के बचे हुए समोसे हम तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये समोसे तैयार है, अभी से हम प्लेटिंग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, तैयार हो गए हमारे नागपुर के फेमस कड़ी समोसे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।